जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि वृक्ष की बारात के लिए MGS इंटर कॉलेज का चुनाव किया गया है और विभिन्न मार्गों से जनपद के होते हुए ये वृक्ष की बारात आपके MGS इंटर कॉलेज के प्रांगण में पहुंच चुकी है। GGIC, GIC, मधुसूदन विद्यालय आदि के बहुत सारे बच्चे विभिन्न वृक्षों के साथ आज MGS इंटर कॉलेज में उपस्थित हुए हैं। जिला विद्या निरीक्षक, GGIC के प्रिंसिपल और विभिन्न पदाधिकारी गण आपके विद्यालय में पहुंच चुके हैं और उनका माल्यार्पण अब होने जा रहा है। विद्यालय के प्रबंधक माल्यार्पण करने जा रहे हैं और एसोसिएट DIS साहब का माल्यार्पण करके हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करें। एसोसिएट DIS साहब का स्वागत करें। एसोसिएट DIS साहब का स्वागत करते हुए माननीय प्रधानाचार्य श्री माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दीपक सिंह जी से अनुरोध है कि आप अपने प्रबंधक जी का माल्यार्पण करके सबसे पहले प्रबंधक जी का तुम लोग को जब ना पता रहे तो मत किया करो, हैं इसको खींच दिए कड़ाक से। कौन खींचे ना कोई खींचा जरूर। जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय का माल्यार्पण करके स्वागत करें। कुंवर दिलीप सिंह जी थोड़ा निकालिए तो हम माल्यार्पण की इस कड़ी में नहीं सही है सेंटर से हमारे साथ हमारे बीच में सेंटर में सही है थोड़ा पीछे ना विद्यालय के दिलीप कुमार सिंह जी वृक्ष को भेंट करते हुए आपके अधिकारियों को श्री विचित्रवीर जी, माननीय दीपक सिंह जी, शैलेन चतुर्वेदी जी यहां पर उपस्थित हैं। सर आप वहाँ जा सकते विभिन्न विद्यालयों के लोग यहाँ पर वृक्षों को समर्पित करते हुए मौजूद हैं। स्वागत गीत के मंच पर हैं मौजूद MGS इंटर कॉलेज के प्रबंधक वृक्षारोपण पर विद्यालय के देश कुमारी बालिका इंटर कॉलेज की छात्राएं सर्वोच्च अधिकारी एक गीत आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करेंगे। DIO साहब, एसोसिएट DIO साहब, शैलेन चतुर्वेदी जी आदि उपस्थित हैं। आओ करे पौधारोपण अंध हो धरती का शोषण, आओ करे पौधारोपण बंद हो धरती का शोषण। वृक्ष हमारे जीवन है यही जगत के आभूषण, यही जगत के आभूषण। पूर्ण मनोरथ करने वाली परंपरा हम करें शुरू। वृक्ष लगाओ वृक्ष लगाओ वृक्ष लगाओ वृक्ष लगाओ वृक्ष लगाओ वृक्ष लगाओ।
लगाओ जैसे जीने के लिए, सांसों का साथ जरूरी है। जैसे जीने के लिए सांसों का साथ जरूरी है। पेड़ों के बिन जीवन यात्रा हो सकती नहीं पूरी है। पेड़ों के बिन जीवन यात्रा हो सकती ना पूरी है। एक एक हम वृक्ष लगाए लाखों वृक्ष लग जाएंगे। हरी भरी होगी धरती, स्वर्ग के सुख सब पाएंगे। आरजू है माँ धरती की, इसी में सबकी आबरू। वृक्ष लगाए 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 वृक्ष लगाए। एक और हम वृक्ष लगाए दूजे ये संकल्प करें। एक और हम वृक्ष लगाए दूजे ये संकल्प करें। राजयोग और दिव्य गुणों से जग का कायाकल्प करें। राजयोग और दिव्य गुणों से जग का कायाकल्प करें। शुद्ध आहार विहार से वसुंधरा मुस्काएगी। प्रकृति शुद्ध बनेगी, स्वर्ग धरा बन जाएगी। यही है सच्चाई खुदाई, यही खुदाई किस्मत है। वृक्ष लगाए 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 वृक्ष लगाए। आओ करे पौधारोपण, बंद हो धरती का शोषण। आओ करे पौधारोपण, बंद हो धरती का शोषण। वृक्ष हमारे जीवन है, यही जगत के आभूषण। यही जगत के आभूषण, पूर्ण मनोरथ करने वाली परंपरा हम करें शुरू। वृक्ष लगाओ वृक्ष लगाए 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 वृक्ष लगाए। माल्यार्पण की कड़ी में इस गीत के बाद अभी अग्रिम पंक्ति में बैठे हम लोगों के बहुत ही प्रिय लोकप्रिय प्रधानाचार्य श्री शैलेंद्र चतुर्वेदी का राजेश कुमार जी से अनुरोध है कि राजेश कुमार जी माल्यार्पण करके स्वागत करें। और पीछे जजरही के प्रधानाचार्य जी बैठे हैं सर, प्रिंसिपल सर। उनके बगल में अखिलेश पांडे जी जो इस समय जिले के मिड डे मील के प्रभारी हैं। दीपक कुमार सिंह जी से अनुरोध है कि माल्यार्पण करके स्वागत करें। एक सेकंड रुकिए। वैभव रघुवंशी रघुवंशी जी से अनुरोध है कि जजरही के प्रधानाचार्य जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। चलिए अभी लेके जी भाई, बहुत पहले खरीद रखे थे। डीसी श्री अखिलेश सिंह जी, अखिलेश पांडे जी का स्वागत। बैठ गया आप प्रधानाचार्य जी का स्वागत। दो लोग रहो, दो लोग रहो, तुम दो लोग रहो, बाकी जाओ जाओ। जनपद के विभिन्न अधिकारियों का माल्यार्पण प्रारंभ है। जैसा कि आप देख रहे हैं जजरही के प्रिंसिपल से सूर्यभान का माल्यार्पण दिलीप कुमार सिंह ने किया। जिला विद्यालय निरीक्षक को माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। इस तरह से माल्यार्पण का यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। और संगीत अध्यापिका केश कुमारी जी से अनुरोध है कि बालिकाओं से एक स्वागत गीत आदरणीय आए हुए अतिथियों के लिए विद्यालय के राम प्रकाश जी दिया उसका अभिनंदन करते हुए एक बार तालियां बजाएं। बच्चे सर स्वागत करिए। मैंने
की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम, कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है, देव की भांति पूजन दो लोग रहो, कहाँ थे तुम? तुम रहो इधर, बाकी लोग जाओ। स्वागतम 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 स्वागतम। हमारे बीच में सबसे पहले मैं अपने आदरणीय प्रबंधक जी से अनुरोध करूंगा कि आए हुए अतिथियों विद्यालय के प्रबंधक जी करें और आए हुए अतिथियों का स्वागत करने के लिए छात्रों छात्राओं को अपने आशीर्वचन से अभिसिंचित करने की कृपा करें। आदरणीय प्रबंधक जी, हमारे विद्यालय के और जो बेड़ों की बारात के साथ आए हैं छात्राएं हमारे विद्यालय के सभी छात्र, मैं इस कार्यक्रम के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने हमारे विद्यालय का चयन किया और ये विद्यालय आपका सहयोग करने के लिए हर तरह से तैयार है और मैं आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ और यह आश्वस्त करता हूँ कि आपके हर कार्यक्रम में हम आपका पूर्ण रूपेण विद्यालय के परिवार के साथ आपका स्वागत करते रहेंगे, सहयोग करते रहेंगे और किसी भी कार्यक्रम को आप यहाँ लगाएंगे, हम आपका भविष्य में भी स्वागत करते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे बीच में एसोसिएट जिला विद्यालय निरीक्षक आदरणीय श्री जटाशंकर यादव जी मौजूद हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर उपस्थित छात्रों छात्राओं को और वृक्षारोपण के बारे में अपने अनुभव साझा करने की कृपा करें। आदरणीय एसोसिएट साहब, थैंक यू। आज वृक्षारोपण के इस बारात कार्यक्रम में उपस्थित परमादरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक डीसी मनरेगा बारात आगमन विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री शैलेंद्र कुमार जी, एमएसडी के प्रधानाचार्य जी, एमएसडी के कॉलेज के प्रबंधक महोदय, उपस्थित अन्य शिक्षक अभिभावक, हमारी शिक्षिकाएं, विद्यार्थी और वृक्षारोपण में आए अन्य सभी बारातीगण, आज का यह कार्यक्रम विश्व के नाम पर है, विश्व पर्यावरण को ये शुद्ध कर रहा है, केवल सुल्तानपुर की ही धरती नहीं, इससे पूरा विश्व प्रभावित होता है। जैसा कि
अभी बताया संचालक महोदय ने कि ये बारात जो है पर्यावरण को शुद्ध करेगी, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएगी, जितने अधिक से अधिक वृक्ष होंगे उतना ही अधिक हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा, और पर्यावरण स्वच्छ होगा तो हम सब भी शुद्ध वातावरण में रहते हुए हम लोगों का मन भी स्वच्छ होगा, शांत होगा, और शुद्ध और शांत वातावरण में ही शिक्षा अच्छी दी जा सकती है, जो हम लोगों का ध्येय वाक्य है कि हम सबको पढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। और साथ ही अब एक नया ये है कि सबको रोजगार भी दिलवाएं, ये सब सभी तभी संभव है जब हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा, हमारा आसपास का जो भी क्षेत्र है वो हम लोगों को के अनुकूलन में हो, अनुकूल हो, ये तभी है जब हम सब मिल करके अपने वातावरण को शुद्ध रखेंगे। वृक्ष ज़्यादातर देख ही रहे हैं, काटे ही जा रहे हैं, लगाए कम जा रहे हैं, प्रतिवर्ष वृक्षों का जो क्षेत्रफल है वो उत्तर प्रदेश में बढ़ने के बजाय न्यून ही होता जा रहा है, अपने उत्तर प्रदेश में वृक्ष 9.6% ही रह गए हैं और कुछ जिलों में बहुत कम वृक्षों की संख्या रह गई है, अपने इधर पूरब की ओर के जिलों में तो थोड़ी बहुत संख्या है, जिसके कारण आप लोग देख रहे हैं इसका प्रभाव भी, बरसात तो कुछ हो जा रही है लेकिन पश्चिम के जनपदों में बरसात बिल्कुल नहीं हो रही है। आप लोग देखे होंगे मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा जैसे जनपदों में बहुत कम वर्षा होती है। आप देख रहे हैं पर्यावरण शुद्ध ना होने से, वृक्षों की संख्या कम होने से पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, मौसम अपने आप करवटें बदलता रहता है, जैसे जून में मानसून आ जाना चाहिए था, कभी कभी नहीं आता है, कभी कभी आता है, बीच में बरसात कम होती है, दो चार महीनों में ही छिटपुट बरसात हो गई, अचानक बरसात हो गई चला गया, इसका सीधा सीधा प्रभाव वृक्षों से ही है, आप लोग जान ही रहे हैं। हमारे प्रदेश सरकार के मुखिया प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों रुपए वृक्षारोपण करा करके हमारा पर्यावरण शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। इस वर्ष भी 35 करोड़ वृक्ष लगाने जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 22 जुलाई को 30 करोड़ और 5 करोड़ 15 अगस्त को लगाए जाने हैं, जिनमें जनपद सुल्तानपुर में भी लगभग 20 लाख पेड़ लगाए जाने हैं। अपने माध्यमिक विभाग को 9000 पेड़ आवंटित किए गए हैं, जिसमें 22 जुलाई को 7600 पेड़ लगने हैं जिनका आवंटन कर दिया गया है, 15 अगस्त को 1400 वृक्षों को लगाया जाना है, जिसकी मॉनिटरिंग निदेशालय स्तर से भी हो रही है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी की जा रही है। तो इसके साथ साथ ही हमें हम लोगों पर यह भी जिम्मेदारी दी गई है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में भी वृक्षारोपण कराया जाए, 17000 वृक्षों का लक्ष्य वहाँ भी दिया गया है। ये सब हम लोगों के लिए अच्छी बात है कि हमारे जनपद में 20 लाख पौधे लगाए जाएंगे और पर्यावरण हमारा कितना सुदृढ़ होगा, अच्छा होगा, लेकिन साथ साथ ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि इन वृक्षों को बचाया जाए। जैसा कि अभी हमारे साथ आए कुछ बाराती बच्चों ने कुल्हाड़ी लिया था, पेड़ काटने का संकेत ये था कि इस कुल्हाड़ी से पेड़ को ना काटा जाए, बहुत सारे लोग पेड़ को काटते हैं, तो हम लोग पेड़ काटने के बजाय पेड़ को रोपित करें। इसी क्रम में एक वृक्षारोपण की जो बारात आयोजित की गई थी, जिसमें जिलाधिकारी महोदय और हमारे मंडलायुक्त का भी इसमें आगमन होना था, आना था,